9:30 बज गए हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है, बाऊजी अभी तक लौटे ना आई हैं। एक तरीका है, बाऊजी है हमारे। बाऊजी होंगे तुम्हारे लिए, कानून की नजरों में मुजरिम है। अरे बाऊजी, अरे शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, इसमें 3 लोगों की जान चली गई। तो नौकरों के सरगना रामू काका अब मालिक बनेंगे। जरूर, 20 साल बहुत कमर तोड़ लिया हमारे बाबूजी, पर अब बस, अब हार्ड से कुर्सी पर बैठकर अपनी खुद की दुकान संभालेंगे। रुक, तो क्यों अपने बाबूजी को इन सब चीजों में फंसा रही है? इन बड़े लोगों जैसे बनने के लिए ना बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है, माथा पच्ची करनी पड़ती है। हमको देख कितने मजे में, रानी सा अपनी पुरानी साड़ी भी देती है कभी कभी। हम कितनी भी नई साड़ी ले लें, लेकिन उसमें वो बात नहीं जो रानी सा की पुरानी मखमली साड़ी में। आप पहनिए पुरानी साड़ी, हमारे बाबूजी ये जिंदगी बहुत जी लिए, इस महल का रंग उतार उनके अपने घर की चादर पहनानी है हमको। क्या हुआ काकी? इंसान को ना औकात में रह के सपने देखने चाहिए, यही बताना है थारे को। ये सब औकात औकात काहे कहते रहते हैं? बड़ा लोग जताता रहता है, छोटा लोग निभाता रहता है। हमको औकात बनाने संभालने के लिए पैदा हुए हैं। एक बात बता, ये क्या है? यूनिफॉर्म? उतरी तो यूनिफॉर्म और पहनने के बाद गले का पट्टा, ऐसे गले का पट्टा जो सिर्फ मालिक के खोलने से ही खुलता है। सांस रुके, दम घुटे, चूं चपाक नहीं कर सकते मालिक के सामने, क्योंकि हम हैं नौकर, और एक नौकर ना कर ही नहीं सकता है किसी भी बात के लिए। समझी ना? समझी? चल चल मारे साथ, थारे को विस्तार से समझाऊं मैं। देखिए, 20 बरस में इस घर के झूमर 20 बार बदले होंगे, पर हमारा जीवन इस 0 वॉट के बल्ब के जैसा है, क्योंकि हमारी औकात इन लोगों के सामने 0 है, 0। और ये मैली सीढ़ियां देख रही है तू? इन सीढ़ियों से दिन में 100 बार हम अपनी अंधेरी की जिंदगी से निकलकर उजाले की ओर जाते हैं, और ये उजाला उजाला हमें हमारी औकात का एहसास दिलाता है। ये देख, ये है हमारी औकात और हमारी असलियत भी। ये तस्वीरें देख, अरे बापू सा, चंपा, अरुण, ये जो भी देख रही है ना तू, ये सब रानी सा की मेहरबानी की वजह से है। रानी सा ने हमें बनाया है ऐसे। ये सुनिए, का बजा रही है? टक टक टक, ये जो छोटी सुइयों की आवाज है ना, ये हमको बता रही है कि रानी सबका टेम आएगा। तेरा टेम आएगा, मेरा टेम आएगा, अपना टेम भी आएगा, और तब देखेगा ये जो औकात की बात है ना। चुप कर, ये क्या फालतू की सिनेमा वाली बातें कर रही है तू? हम छोटे लोगों का सिर्फ एक ही बार टेम आता है, वो ऊपर वाला जब बुलाता है ना तब। अरे यहाँ हमारी दादी धोबण थी, हमारी माँ, हमारी सास धोबण थी, और आज मैं भी धोबण ही हूँ। और आपका बेटा वो कोतवाल, वो तो इस चंगुल में ना फंसा, अपने दम पर वो कोतवाल की नौकरी कर रहे हैं। अरे खाक खुद के दम पे बना, वो कोतवाल बना है रानी सा की मेहरबानी से ही। और तू क्या बात करे, अरे बापू सा को, रामू को यहाँ से लेके जाएगी, रानी सा कभी ना मानेगी। पर अब तो हम ठान चुके हैं, रानी सा नहीं मानेगी तो ही रानी बात करेंगी उनसे,
हम बाबूजी को ले जाकर ही रहेंगे। बाबूजी कहाँ रह गए? 9 बज रहे हैं, हम फोन करके आते हैं। नेटवर्क ही नहीं है। हाँ आ गया नेटवर्क। अरे हाँ बिटिया। अरे बाबूजी कहाँ रह गए आप? हाँ आ गए। अरे बाजार चले गए थे तुम्हारे लिए तोहफा लाने। हाँ इसी में देरी हो गई। अच्छा सुन, कल सुबह तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारा तोहफा दोनों गांव चलेंगे। साची? हाँ। रानी सा मान गई? हाँ थोड़ी नाराज तो हुई पर बाद में मान गई। अच्छा चल फोन रख, हमको यहाँ से निकलना है। जी बाबूजी। माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम और बाबूजी गांव चलेंगे। सलाई के दिन भी काम। बेटा शादी के बाद अगर इसी कंकाल के साथ काम करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस रूम में या तो ये कंकाल रहेगा या कियारा। क्या पापा आप दे? तू ये सब छोड़, छोड़ इसे। कम सिट विद मी। खुश है? रानीसा की हर खुशी में मेरी खुशी है पापा। इसीलिए रात को तू अपने कमरे में डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है। ये दिल का और आंखों का क्या कनेक्शन होता है? मतलब तेरे दिल में जो चल रहा होता है ना, वो तेरे फेस पे दिखे ना दिखे लेकिन तेरी आंखों में हमेशा दिख जाता है। ये ले, डॉक्टर हो इतना तो बता ही सकते हो। क्या दिख जाता है पापा आपको? मैं एकदम ठीक हूँ। तभी ये खा रहा है। बेटा तू बचपन से ही ना ऑरेंज बार तब खाता है जब तू उदास होता है। मैं जानता हूँ बेटा तू इसी बात से परेशान है ना कि राजेश्वरी तू तेरी रानी सा तुझे उतना प्यार नहीं करती जितना विक्रम और नंदिनी को करती है। कुछ नहीं लगता पापा मुझे। I know she loves me, पापा। वरना ऐसे अनाथ को कोई अपने घर लाकर अपना नाम देकर अपनी पहचान देकर नहीं रखता। In fact, मुझे लगता है कि मुझसे कोई ना कोई कमी रह जाती होगी जो मैं माँ को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाता। वीर बेटा क्या हुआ? इधर देख, अगर आंखों में आंसू आते हैं ना बेटा तो इन्हें बहने दे। अपने दिल की बात सच सच बोल सकता है तू। ये टियर ग्लैंड्स भी कितने अजीब होते हैं ना पापा। खुशी हो दुख हो बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। मैंने हार्ट की इतनी सर्जरीज की हैं पापा लेकिन कभी सोचा नहीं था कि बिना फिजिकल डैमेज के एक ऑर्गन में इतना दर्द हो सकता है। एक अजीब सी हैवीनेस रहती है रोत। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। उनके सामने खड़े होकर कभी मां नहीं बुला पाया मैं और कभी उनके मुंह से अपने लिए बेटा नहीं सुना। रानी साहब वीर 28 साल निकल गए इसमें। ना कभी किसी बात पे डांटा ना टोका, कोई गुस्सा नहीं कोई कंप्लेंट नहीं। फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों लगता है जैसे बिना गलती के मुझे कोई पनिशमेंट मिली हो। और मैं वेट करता रहता हूं कब ये पनिशमेंट खत्म होगी और उन्हें गले लगाकर कह सकूं दैट आई लव यू मां। ये सब छोड़, ये पकड़ पहले पकड़। तेरे दिल में कुछ होता है तो भूला कर, दिल की बात किया कर। मैं जानता हूं कि राजेश्वरी थोड़ी कठोर है, इमोशंस को उतना नहीं समझती है लेकिन उसने अपने दिल में जगह दी है तुझे, शायद पूरी तरह अपना नहीं पाई। लाइफ को इतना सीरियसली मत लिया कर नहीं तो लाइफ ना इस आइसक्रीम की तरह पिघल के रह जाएगी। चल चुस्की ले इसकी।
साल से वैसे भी इंतजार का जीवन काट रहे हैं और आज भी बाऊजी ने 7:30 कर दिया। कहां रह गए बाऊजी? The number you have called is currently not reachable. हमारा जी इतना काहे घबरा रहा है? अरे अरे हमारे कागज। अरे अरे बहन, एक आप पागल हो गए हो क्या? हाथ जला लेती हमें अपना। अरे बाऊजी की दुकान का कागज है। पिंकू, हमको ना बहुत डर लग रहा है। डर नहीं, दर्द। इसलिए तुमको बाबूजी कहीं जाने नहीं देते। खुद की बिल्कुल परवाह नहीं है तुमको। तुम्हें समझ में ना ही आ रहा है पिंकू, कुछ गलत होने वाला है। यह शायद गलत हो चुका है। हमें बहुत चिंता हो रही है, बाबूजी अभी तक लौटे नहीं है। कहाँ बाबूजी, कहाँ रह गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बलिया से यहाँ हम आ चमके, हमारा दिल बहलाने की जगह आप तो हमारा दिल जोर से धक धक कर दिए। धनी बिटिया वो आप वही खड़े रहेंगे का? अरे अंदर आइए। बाऊजी, 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 एक तरीका है। बाऊजी है हमारे। बाऊजी होंगे तुम्हारे लिए, कानून की नजरों में मुजरिम है। अरे बाऊजी, अरे शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी। और भागने की कोशिश की। आप ना बचेगा तू। चल। क्या करे? अरे बाऊजी, मेरी बात तो सुनिए। बाऊजी, छोटी की मेरी गाड़ी चढ़ाएगा। नहीं भी है हम। गाड़ी चढ़ाएगा। वो आपको जान लेगा। हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए। ए चल। बाबूजी, बाबू साहब आप हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए। आपको गलत फहमी हुई है। ये तो रामंदिर सिंह है, बागी बलिया वाले। आप बलिया फूला कर पूछ लीजिए, आज तक उत्तर नदी में नहीं फेंके कि पानी को दर्द ना हो जाए। इंसान पे गाड़ी कैसे चढ़ा देंगे? स्वामी ने छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है बाबू साहब? हमारे बाबूजी नशा नहीं कर सकते। मैं भी इतना ही सरप्राइज था। चेहरे पर आनंद भरी स्माइल लिए सबको राम राम सा करने वाले रामू काका आखिर ऐसे कैसे दारू पीकर गाड़ी चला सकते हैं? क्या हुआ इंस्पेक्टर? नशे में धुत रामू काका ने 4 बेकसूर लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। खम्मागढ़ी रानी साहब। प्रणाम राजमाता। जीते रहो बेटा। प्रणाम हुकुम। जीता रहे बेटा। विजय, लेकिन रामू तो कभी शराब पीता ही नहीं है। पहले मैं भी कंफ्यूज था, फिर मैंने सोचा कि शायद अपनी बेटी के आने की खुशी में इन्होंने पी लिया होगा। सर नहीं हो सकता है। बाकी पूरी बात तो सारी शिनाख्त होने के बाद ही पता चलेगी। विजय बेटा, थारे को पूरा यकीन है ना कि गाड़ी रामू ही चला रहा था? नहीं, मारा मतलब है कि कोई और भी तो हो सकता है ना। आज इतने शिकार नहीं हुए, उससे ज्यादा तो गवाह इकट्ठे हो गए। चौरी बाजार में दुकानदारों का ये कहना था कि ठीक 7:05 पर ट्रैफिक लाइट को चीरती हुई एक गाड़ी आई और चबूतरे के ऊपर चढ़ गई। अब ऊपर गाड़ी और नीचे चबूतरा,
और बीच में फंसी चार लोगों की जिंदगी। तीन लोगों की जान चली गई और एक की हालत गंभीर है। रामू काका आप बताइए आपका सच क्या है? बोलो रामू। हमारे राजघराने पर आज दाग लगेगा, क्या इसकी वजह तुम हो रामू? रानी साहब, ये हमसे I'm a little busy. कोई इमरजेंसी है? ड्रंक ड्राइविंग का केस है सर। इट्स अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। सीसीयू में शिफ्ट करना, I'll be right there. रानी साहब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इमरजेंसी है। चलिए अब हम भी चलते हैं। इजाजत दीजिए रानी साहब, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है। जैसे ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। चलो बाजी। बाजी, आप कहाँ जा रहे? आप तो कुछ नहीं किए। माने इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया से तनिक बात कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो? जी धन्यवाद। कंगन लाए थे तुम्हारे लिए। कसम पाल के रखता बेटी, कहा बता तुम्हारे बाबूजी की तरफ से यह आखिरी तोहफा। बाबूजी, बाबूजी ऐसा? ना ना है, तुम तो अपने बाबूजी की ताकत हो, शक्ति हो सकती, पर कभी नहीं भूलना है बेटा, तुम्हारा केवल नाम रानी नहीं है, तो अपने अपने बाबूजी की राजकुमारी है बेटा। अब बेटा एक एक बात का अफसोस रहेगा, किराना स्टोर पे बेच नहीं पाएंगे बेटा। तू रुकना ना, आगे बढ़ना बेटा, बलिया जाके जम के पढ़ाई करना, बहुत परी को भी पढ़ा बिटिया। अगर कभी अपने बहुजी के लिए मन घबराए ना, तो वही करना जो आज तक करती आई। ऐसा ऐसा दाहिना हाथ आगे करके, ऐसा 45 डिग्री का एंगल बना के, ऐसा दिल पे हाथ रख के कहना कि मेरा टाइम जरूर आएगा।
यही मंत्र हमेशा याद रखना, तो इसको भी सिखा दे। चलते बेटी। रानी चुप हो जा, शांति करो, वो सब पता है, वो विजय से बात करेंगे। चल चला जा। जी रानी सा, घर में आज ज्यादा काम था क्या चंपा? नहीं रानी साहब, रोज जैसा ही था। अगर पहले जैसा ही था तो हमारी ग्रीन टी कहाँ है? Where is my green tea? राजेश्वरी, इट्स ओके, भूल गई होगी। चंपा तुम जाओ और जाके रानी साहब के लिए ग्रीन टी लेके आओ। जी। रुको, जिसे बुलाया हमने है उसे बर्खास्त हम ही करेंगे, अरुण को बुलाओ। रानी साहब, अरुण भाई की गलती बिल्कुल नहीं है, वो तो आपकी ग्रीन चाय बना के रखे थे। वो रामू काका के साथ ये सब हुआ ना, तो पिंकू का रो रो के बहुत बुरा हाल था, इसलिए उन सब झमेलों में मेरे दिमाग से निकल गया। और मैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हमारे तौर तरीके, रिवाज और रोजमर्रा काम में जरा भी लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे दुनिया के अंतर को अपनी बेचारगी की ढाल बनाया तो नहीं रानी साहब, बिल्कुल नहीं। आपके इस तो का अंजाम मैं जानती हूँ, आगे से कभी नहीं होगा, इस बार बख्श दीजिए। मैं अभी आपके ग्रीन चाय लेकर आती हूँ। राजेश्वरी, रामू के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें ग्रीन टी की पड़ी, इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो तुम? यही तो फर्क है आप में और हम में, आपको बात ग्रीन टी की लग रही है और हमें ये घर की बैलेंस बनाए रखने की। राजेश्वरी, इसी घर को रामू ने अपनी लाइफ के 20 साल दिए, आज वो लॉकअप में है, इस बात से तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वो भले ही इस घर का नौकर था लेकिन वो हमारा अपना था, बच्चों के साथ बलिया जाने वाला था वो, फिर उसकी लाइफ में ये ट्रेजेडी हो गई। लेकिन रानी साक तो अपने रूल्स और रेगुलेशंस की चिंता है। आपकी तरह सर झुकाए खेत प्रकट करना हमारा नेचर नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले रजावत घराना है, उसके बाद हम खुद हैं, और उसके बाद अगर कोई जगह बची है तो फिर इस घर के नौकर।
और रही बात रामू की, तो उसने हमारे घर 20 साल काम किया है, तो उसने हम पे कोई एहसान नहीं किया और ना ही हमने लिया। हमने उसे भी ऐश और आराम की जिंदगी दी, सैलरी दी जो हर साल उसकी बढ़ती उम्र के साथ भी बढ़ती गई। इनफैक्ट घर का मेंबर बनाकर रखा है एक नौकर को, तो एहसान हमने किया है। आपकी आंखों में जो दर्द है एक नौकर के लिए, उसे पहचानते हैं हम। आफ्टर ऑल हमारी आंखें भी नम हुई थी आपकी वजह से, उस हादसे की वजह से जो आज भी हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। अगर आपसे ज्यादा आपका दर्द कोई समझ सकता हो तो वो हम ही है, योर हाइनेस। कहाँ जा रही हो? जहां आपको जाना चाहिए, पर जैसा हमने कहा अपनी प्रायोरिटीज समझते हैं हम, पर आप आज तक नहीं समझे। हमें हमारे बाबूजी वापस चाहिए, उन्होंने जिंदगी में एक तो मच्छर तक नहीं मारा। काकी आप कुछ बोलिए ना मुझे, भाई को आपकी तो बहुत मानते हैं ना वो। पिंकू शांत हो जा। काकी अगर सब शांत हो जाएंगे तो बाबूजी के लिए बोलेगा कौन? अरुण भैया आप भी कुछ बोलिए ना। मैं खुद हैरान हूँ, जिस रामू काका ने मुझे खाना बनाते वक्त कभी कोई गलती नहीं करने थी, जो चलते हुए भी दाएं बाएं देखकर अपने कदम बढ़ाते, और आज उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? रानी एक बात बता, थारे बाऊजी जब जब छुट्टियों में घर जाते थे तब भी ये पीते थे क्या? नहीं सत्तू पीते थे, दादी के हाथ का शराब को आज तक हाथ भी ना लगाए। देखा तो हमने भी नहीं इतने सालों में, लेकिन विजय कह रहा है तो। घबराना नहीं है बिटिया, परीक्षा चाहे कैसी भी हो लंबी लंबी सांस लेती रहे और कदम बढ़ाती रहे। और एक बात याद रख, हार न मानने वालों के लिए ना माता रानी किस्मत का हर कनेक्शन फिट करे है। अब चलो हमारे साथ गांव चलो और पूरे रुतबे के साथ खुद की दुकान पर बैठना। कल सुबह तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारा तोहफा दोनों गाँव चलेंगे। कंगन लाए थे तुम्हारे लिए, कसम पाल के रख रखी, हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी की तरफ से ये आखिरी तोहफा। रानी अरे बुत बन के क्या सोच में डूबी है तू? रानी कुछ कंगन लाए थे तुम्हारे लिए, कसम पाल के रख रखी। जाते वक्त हमारे बाबूजी हमको ही तोहफा देकर गए, हमारा 20वां तोहफा यही लेने हो बाजार गए थे। अच्छा तो तुम्हारे कंगन के चक्कर में रामू काका को हथकड़ी चढ़ गई? अरे खून का इल्जाम है उनके सिर पे, फांसी की सजा नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी। कैलाश रहता था हमारी पिछली वाली गली में, अपनी पत्नी और उसके आशिक को ना स्वर्ग पहुंचाया था और वो पहुंच गया जेल, और पता है उसका केस भी ना विजय ही देख रहा था। तू चुप कर चंपा। जिस तरह 2 जमा 2 5 ना हो सकता, हमारे बाबूजी से ये पाप भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं किया हूं, हमसे ज्यादा समय हमारे बाबूजी आप लोगों के संगे बिताए, परिवार है आप उनका, और ये सब बातें बोल रहे हैं। सबूत मिले हैं रामाधीर के खिलाफ,
अब हम के कर सके हैं बता? भरोसा, भरोसा कर सकती है शांति काकी। 20 सालों में बिताए गए 63,11,52,000 पलों का विश्वास कर सकती हैं कि हमारे बाबूजी ना शराब पी सकते हैं और अगर पी भी लिए तो नशे में धुत गाड़ी चलाने जैसा गैर जिम्मेदाराना काम तो कभी नहीं कर सकते। और चंपा काकी, पिछले गली में किराएदार ने जो किया वो सब याद है आपको, पर हमारे बाबूजी ने आपका, आप सबका इतना ख्याल रखा वो सब भूल गई। हमारे गणित के पहाड़ों को पक्का कराने वाले हमारे बाबूजी जीवन का भाड़ा ऐसे ना ही भूल सकते। अरे तो कोर्ट में पहाड़ा वहाड़ा सुनाएगी का? रामू काका को निर्दोष कैसे साबित करेगी? कुछ शांत हो जा। हमारे बाबूजी ऐसी भूल नहीं कर सकते। मिल गया हमें सबूत। ये लीजिए। कटे, दुकान बंद हो चुकी है। बस 10 मिनट का काम है, बहुत ही जरूरी है। वो तो देख के ही लागे कि अभी क्या अभी नौलखा हार और हीरे जवाहरात खरीदेगी तू। जा निकल। अरे देखिए, हमारे बाबूजी यहाँ आए थे, ये देखिए कंगन लेने के लिए। ये बहुत जरूरी काम है, हमें अंदर जाने दीजिए। देख, अच्छी तरह से देख ले, शटर बंद है ना? पर बत्ती तो चालू है। अरे वो तो बाबू साहब अंदर हिसाब कर रहे हैं, चल निकल। अरे छोरी सुनेगी नहीं के, चल। देखिए ज्यादा टीटी आकर बात ना कीजिए हमसे, नहीं तो हम धरने पर यहीं बैठ जाएंगे। हम बता रहे हैं, जब तक बाबू साहब से बात नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे। तने बैठे हो बैठ, पर दूर जाके बैठ। वीर सिंह रजावत स्पीकिंग। एक लड़की आपके शॉप के बाहर बैठी है, जरा चेक कीजिएगा कि उसको चाहिए क्या। अरे बैरी है के? अरे जाए यहाँ से। चौधरी क्या हुआ? सेठ जी छोरी। हाँ जी बोलिए। जय माता रानी। हाँ जय माता रानी। हमें रानी वो एक तो सवाल पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। हमारे बाबूजी ना कंगन खरीदने आपकी दुकान पर आए थे, ये देखिए बिल भी है हमारे पास। कंगन पसंद आया? कंगन तो एकदम चौचक है बाबू साहब, पर हमारे बाबूजी को कोतवाल साहब पकड़ के ले गए हैं सड़क दुर्घटना के लिए, उसकी वजह से आपसे मदद चाहिए। अरे इसमें मैं क्या कर सकूं छोरी? आप हमारे साथ थाने चलिए ना, हमारे बाबूजी की जिंदगी बच जाएगी। वो कहा है दुर्घटना के समय बाबूजी यहाँ थे, आपकी दुकान के पास, हमसे बतियाए भी थे। आप हमारे साथ थाने चलिए, कोतवाल साहब को बता दीजिए ना कि बाबूजी अगर ई टेम पर दुकान पे थे तो सड़क दुर्घटना ना ही कर सकते। देखिए मोहर भी लगी है टेम की। ना ना, उधर मैं क्या करूँगा, ये तो मशीन खराब है बिल वाली, हर पर्ची हर बिल पर यही टाइम आ रहा है 7:05। ऐसा नहीं हो सकता, मशीन खराब है मतलब? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे बाबूजी की जान कैसे बचेगी? देख छोरी तू जा यहाँ से, थारे चक्कर में मारी दुकान पे छप्पा मारी हो जाएगी। थारे बाबूजी कंगन लेके गए होंगे पर मारी मशीन खराब है, मैं थारी मदद ना कर सकूंगा। ओए चौधरी दुकान का ध्यान रखना। जी सर जी। खंबा घड़ी। ठीक है।
तुझे एक बात का अफसोस रहेगा। रावा ठीक किराना स्टोर पे इतने पाएगा। ये तो मशीन खराब है बिल वाली। हर पर्ची हर बिल पर यही टाइम आ रहा है 7:05। मैं थारी मदद ना कर सकूं। हेलो डॉक्टर, सीसीयू में शिफ्ट करना, स्टेज 2 एनेस्थीसिया देना। पेशेंट को अगर पेन आपको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है क्या? कभी सड़क पर भागते हुए गाड़ी से टकरा जाती हैं, कभी बारिश में नाचते हुए आप पांव तोड़वा लेती हैं, और आप अकेली रात को क्या एक्सीडेंट करवाना चाहती हैं आप? कहीं आप भी रामू काका की तरफ? I'm sorry. हमारे बाबूजी निर्दोष हैं। कहा ना मैंने? I'm sorry. वो शराब नहीं पिए और ना ही गाड़ी चला रहे थे। ये देखिए, बिल भी है हमारे पास, ये कंगन का। इस पर लिखा है 7:05। पर दुकानिया का बाबू साहब बोला कि उनका मशीन ही खराब है, ना ही बता सकते कि हमारे बाबूजी वो टेम पर वहां थे या ना ही। पर हमको भरोसा है कि हमारे बाबूजी वहीं थे। विजय अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। 20 साल में आप उनके सगे नहीं हो पाए तो कोतवाल पर कैसे भरोसा कर ले कि वो हमारे बाबूजी को बचाएंगे? आप मूंद कर हमारे बाबूजी आप पर भरोसा करते हैं और आप आंखें खुली रखकर भी उन्हें पहचान नहीं पाए। बस मान लिया कि वो दुकान का मालिक झूठा है, पुलिस झूठी है, सबूत झूठे हैं, तो फिर सच क्या है? ये आपका कागज। और अगर रामू काका ने एक्सीडेंट नहीं किया है तो उन्होंने सबके सामने झूठ क्यों बोला, क्यों कहा कि उन्होंने ही किया है? वो ही जानने के लिए हम थाने जा रहे हैं। जो करना है सुबह करना। चलिए गाड़ी में बैठिए। नहीं, हम बाबूजी को लिए बिन कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, तमाशा मत बनाइए। घर चलिए। वो घर ना ही है हमारा। हमारा घर बलिया में है और जब तक हम बाबूजी को छुड़ा नहीं लेते हम कहीं नहीं जाएंगे। और आपके लिए ये सब तमाशा होगा पर हमारे लिए हमारे बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। जब भी गांव फोन लगाते थे ना, हमसे ज्यादा आपके बारे में बतियाते थे ना। जूता माथा सब खींच दिया आपके परिवार की सेवा में और आप सब लोग उन पे लगे इस झूठे दाग को इतनी आसानी से मान गए। हमें हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन पास होने में बहुत ही खुशी रहता था। गणित में पूरे बलिया में फर्स्ट नंबर पे रहते थे पर आज आप सब लोगों ने हमें समझा दिया कि जब जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, विषय देखकर नहीं लेती। इसे हम खुद ही संभाल लेंगे। जय माता रानी।
हे, कहाँ जा रही हो? बाबूजी से बात करनी है, बहुत जरूरी है। हत्या का आरोप है, चल मिलना, चल चल। बाबू साहब, बहुत जरूरी बात है, तुम्हें बस कुछ समय लगेगा, मैं मिलने दीजिए ना। अरे जा यहाँ से, ढीठ मत बन, जा। क्या हुआ संजय, क्या चल रहा है यहाँ? सर, पागल छोरी पीछे पड़ गई है, तब से बाबूजी से मिलने की रट लगा रखी है। तमीज नहीं लड़कियों से बात करने की, चलो जाओ मिलाओ इसके बाबूजी से इसे। ओके सर, आइए। मिल लो अपने बाबूजी से। रानी बिटिया, तो यहाँ इतनी रात गए? अरे तुमको एक बार पता ना भूल गए बिटिया, यहाँ तो सब लोचन हो ही गवा। बिटिया हम क्या कह रहे हैं कि तुम वो सुबह सिंधी कैंप से जो बस निकलती है ना, हाँ, तुम और पिंकू सुबह बलिया चले जाओ। बाबूजी, जिंदगी में पहली बार बलिया से अकेले निकलकर यहाँ पर आए, तुमको गांव ले जाने के लिए पूरे गांव को सपना दिखा कि रामाधीर किराना स्टोर हम खुला के रहेंगे, हम अकेले वापस चले जाएंगे, तो सपने का क्या होगा? अरे बिटिया, चिंता काहे कर रही, वो दुकान के कागज ना वो अपने नाम पे करा लो और तुम चला, पिंकू है ना मदद करेगा तेरी। अरे समझती काहे नहीं, लेकिन हाँ बिटिया, पढ़ाई छोड़ना ना है। फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है हमारी बिटिया, वो बनारस जाके बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना है। हाँ बिटिया, अपने सपनों की जो दौर है ना, को कभी टीला मत छोड़ना। और सुन, वो शांति काकी को कहना कि हमारा जो बड़ा वाला बक्सा है ना, वो तुम्हें दे दे, अपना पूरा सामान हूँ मैं बांध के ले जा। और बिटिया, हमारा वो यूनिफॉर्म ना भूलना, जैसे डॉक्टर का कोट होता है ना सफेद कलर का, और वकील का होता है काले कलर का, ये यूनिफॉर्म हमारे लिए गुरूर है बिटिया। इनका संभाल के ले जाना, और देख तू चिंता ना कर, मौका मिलते ही तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, और अब तो सुबह 6 बजे उठ के तुम्हें बत्ती आने की जरूरत भी नहीं है। हम आएंगे थोड़े दिनों में बाहर, हमारी टेंशन मत लो तुम। बाबूजी, आप हमारा नाम तो रानी रख दिए, पर हमेशा से हम आपके इशारे पे चलते आ रहे हैं, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। एक तो सवाल का जवाब दे दीजिए ना, तुम सब जो बोल रहे हैं उस सच है का? सच में गाड़ी चढ़ा दिए इंसान पर, माता रानी और हम तुम पर विश्वास रखते हैं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कुछ तुम्हारे जुबान से सुना जा सके। तुमको हमारी सौगंध है, जीवन में आज तक हमसे झूठ कभी नहीं बोले हो, कुछ भी बता दो ना, सच कहा है,
बता दो ना बाबूजी। क्या हुआ था? रानी बिटिया, सच तो ये है कि गड़ी रानी साहब, आप इतनी रात गए यहाँ पर, कुछ काम होता तो आप हमें बुला लेती। कुछ काम इतने जरूरी होते हैं कि खुद सफर करके आना पड़ता है। रामू हमारे बहुत खास है, कई सालों से हमारे घराने में सेवा करते आ रहे हैं। गलती करना लोगों की फितरत होती है और छोटे लोगों की आदत। बहुत कोशिश की है हमने कि हमारे घराने के नौकर भी हमारी तरह सभ्य तरीके से जिए, लेकिन हमारी और इनकी दुनिया का फर्क इतनी आसानी से कहां मिटाया जा सकता है। अपनी आदतों के चलते सुलझे हुए रामू से भी शायद गलती हो गई हो। बस देखना कि इसकी गलती नजरअंदाज किए बिना जितनी दया और नरमी बरती जा सकती है बरतिए। रानी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो इतना बड़ा जुर्म होने के बाद भी आप इनके साथ खड़ी हैं। हमारा काम सिर्फ लोगों को पुश करने का है। कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि तुम, हमारे घराने में कपड़े धोके इस्त्री करने वाली एक मामूली सी धोबन का बेटा, पढ़ लिख के आज पुलिस ऑफिसर बना है। और कुछ लोग जेल के सलाखों के पीछे। बस रामू का ख्याल रखना और देखना कि इसे किसी भी चीज की कमी ना हो। जी रानी साहब। जी देखिए ना, अब तो रानी साहब ही आपके साथ खड़ी है। अब तो बता दीजिए, उस शाम को देखिए पिंकू इंतजार कर रहा है, दादी गांव में आस लगाए बैठी है। बता दो ना सच कहा है बाबूजी, तुमको हमारी सौगंध है। सच है बिटिया कि हम शराब पिए थे। और नशे में वो एक्सीडेंट भी हमारे हाथों ही हुआ है। ए बिटिया, आज तक तू अपने भाऊजी को भगवान मानती आई है ना, पर तो मामूली इंसान है बिटिया। को माफ कर देना बिटिया, तुम्हारे भाऊजी तुम्हारी उम्मीदों पर खड़े नहीं रह सके। चली जा,
यहाँ कुछ है ही नहीं बिटिया। जयपुर का सबसे बड़ा घराना द फेमस राजावत फैमिली आज सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट राजावत फैमिली के सबसे पुराने और ट्रस्टेड नौकर रामाधीर सिंह के हाथों हुआ है। रामाधीर सिंह ने नशे की हालत में धुत होकर जौहरी बाजार में सो रहे कुछ लोगों पर बड़ी बेरहमी से गाड़ी चढ़ा दी और उसकी वजह है ड्रंक ड्राइविंग केस, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक अभी भी जख्मी हालत में अपनी मौत से जूझ रहा है। माता रानी, हमारी जिंदगी इस चौधराहट से बड़े शहर के सामने कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर उसमें कभी छूट ना ही घुला था। और आज उसके मुंह से छूट सुन के आ रहे हैं, जिसने सच का सार सिखाया है हमको। सीधे लेन की तरह आंख से आंख मिलाकर बात करने वाले हमारे बाबूजी की आंखें छूट से भरी थी। जुबान को अपनी ढाल बनाकर लड़ना सिखाने वाले की आज जुबान खुद ही घुटने टेक गई। सच है बिटिया कि हम शराब पिए थे, नशे में वो एक्सीडेंट भी हमारे हाथों ही हुआ। पर हम हार नहीं मानेंगे, हमारे बाबूजी बेकसूर हैं, ये जानते हैं हम। बस अब दुनिया और कानून को ये बात मनवाने का बीड़ा हम उठाएंगे। जिस तरह गणित के सवाल में ही उसका जवाब छुपा होता है, उसी तरह बाबूजी के झूठ में से सच खोद निकालेंगे हम। इस नवरात्रि वादा करते हैं आपसे, अपने बाऊजी की बेगुनाही साबित कर पूरे इज्जत के साथ बलिया ले जाएंगे उन्हें। जय माता रानी। रात से डाइनिंग टेबल की सफाई भी नहीं हुई है, सुबह का नाश्ता भी तैयार नहीं, सुबह की चाय भी नहीं। अरुण, खमागणी रानी सा, आपकी चाय। आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या?
जी नहीं रानी सा। तो फिर आज सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार क्यों नहीं था? शांति, चंपा, कम्मागणि रानी सा, जिस घर में सूरज की किरणें उगने से पहले साफ सफाई हुआ करती थी, आज वही घर बिखरा पड़ा क्यों है? रानी सा, वो रामू काका नहीं है तो क्या रामू हाथ पकड़ के तुमसे काम करवाता था? रानी साहब, मैं तो करने ही वाली थी, लेकिन इतना सारा खाना पड़ा था, पता ही नहीं था क्या फेंकना और क्या रखना है, सो मैं रुक गई। अरे तू रानी साहब, मैं तो नाश्ते की तैयारी कर ही रहा था, मुझे लगा था कि शांति काकी ये गंदे कपड़े उठा लेगी, फिर मैं खाना समेट दूंगा। ओए, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? हाँ रानी साहब, रोज चंपा गंदे कपड़े निकाल के देती है, तभी मैं धोना शुरू कर देती हूँ, और वैसे भी रोज इनफ। जंगलियों की तरह एक दूसरे पे निशाना लगाना बंद करो, किसी भी लायक नहीं हो तुम, ना बात करने की तमीज, ना काम करने का ढंग। रानी साहब, वो रामू नहीं है ना, इसीलिए सब दिक्कत हो रही है। रामू सबके काम कराते वक्त सब। हेलो, अरे वो रामू काका का फोन नहीं लग रहा है, उनको बोलना शाम कॉन्ट्रैक्टर का फोन है पेमेंट के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस नंबर पे फोन करने की? ओ खम्मागणी रानी साहब, मुझे पता नहीं था आपका नंबर है, डायरी में आपका नंबर लिखा था पर नाम नहीं था, तो मुझे लगा रामू काका का दूसरा नंबर होगा, वो 2 महीने का हिसाब बाकी है। घर आकर अकाउंटेंट से ले जाओ। जी रानी साहब। और आज के बाद इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। और तुम लोगों के लिए भी ये आखिरी वार्निंग है, रामू इस घर में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब लोग आराम फरमाना शुरू कर दो। एक रामू गया है इस घर से, उसके बदले में 10 रामू आ जाएंगे, और वैसे भी झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने के लिए किसी को PhD की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो तुम जैसे लोगों की जो इस देश में भरे पड़े हैं। तुम तीनों यहां रुको, बाकी सब चले जाओ, जाओ अपना अपना काम करो। देख छोरी, कानून किसी का सगा नहीं होता है, अब मारे को ये काला कोट पहनकर रोज कोर्ट में जाकर दलील पे दलील करनी पड़ती है। अब तूने मुझे जो भी जानकारी दी है उससे पता चलता है कि मुश्किल होगा। मुश्किल तो आपको स्कूल के दिनों में गणित के पहाड़े भी लगे होंगे, पर देखिए पढ़ लिख कर आप यहाँ इतने बड़े वकील बाबू साहब बन गए, और सबूत है हमारे पास, ये देखिए बिल का कॉपी, ये कंगन का कॉपी है, ये वो दुर्घटना के टाइम हमारे बाबूजी ये कंगन ही खरीद रहे थे, अब जज साहब को ये दिखाइए, वो 1 मिनट पे छोड़ देंगे हमारे बाबूजी को। अच्छा, 1 ही मिनट पे छोड़ देंगे? तू तो घनी होशियार लगे, तू मारे जगह में रहकर मारी कुर्सी पे बैठकर देख कितने लड़ाई झगड़े होते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में। और सबसे बड़ी बात, अरुण बता रहा था रामू काका ने खुद बयान दिए कि गाड़ी वही चला रहे थे, तो उसका क्या? ये पहली तो हम भी नहीं बुझा पा रहे हैं, पर देखिए ना, अरुण भाई बोले कि आप हमारी मदद कर देंगे, हैं? बाबूजी को यहाँ से ले जाने आए थे, यहाँ से कहाँ हो गया? देखिए, हमारी उम्र छोटी है, पर उम्मीद बहुत बड़ी है हमारी आपसे। हाँ ठीक है, केस मैं लड़ूंगा, पर खर्चा होगा, दे पाएगी? जी, हम तो अपने बाबूजी के लिए अपना जीवन खर्च कर देंगे। रुकिए, हमारे पास 7,568 रुपया है,
आप रख लीजिए, बाद में और पैसों का इंतजाम कर देंगे। आप हमें बता दीजिए और कितने चाहिए। अरे छोरी, हमारी फीस 1,00,000 है, 1,00,000। तुम समझ सकती हो 1,00,000 में कितने जीरो होते। जय माता रानी साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। शांति, ये लड़का ऊपर कैसे आया? इसे नीचे भेज दो। बिंकू इधर आ। पगला गया है क्या? चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, तू रानी साहब के पास क्यों गया? शांति काकी, आपको पता ना है का बहन रात से घर ना आई है। बोली थी बाऊजी को घर लेके आएंगी, पर अभी तक उसका कोई अता पता ना आया। इस शहर उसके लिए नया है रानी सा। पहले 20 साल इसके बाप को पालो और अब उसके बच्चों को। शांति, ये लड़का जिस गंदी गली से आया है उसे वापस उसी गंदी गली में भेज दो। जी रानी सा। चल। कुमोद, कुमोद। खम्मा गनी रानी सा। कुमोद, इस घर में क्या चल रहा है? कुछ देर हमने अपनी नजर क्या हटा दी? तुम लोगों ने हमारे घर को एक झुग्गी झोपड़ी में बदल दिया है। तुम्हें पता है वो लड़का हमारे इतने नजदीक आ गया था। How dare he? So disgusting! रानी सा, थैंक गॉड। कहाँ थी तुम? माफी रानी सा, वो सर्वेंट एजेंसी से रामाधीर की जगह कोई नया आदमी आया है, तो बस उसी में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। बुलाओ उसे। जी। गुड मॉर्निंग रानी सा। इसे घर के नियम कानून समझा दो। जी। उसकी जरूरत नहीं है रानी सा। ये देखिए, मैंने ना सबके कामकाज का एक प्रेजेंटेशन बनाया है और इसमें ना सब लिखा हुआ है कि कब किसको कौन सा का। कुमोद, जस्ट एक्सप्लेन हिम द जॉब। एक 1,00,000। 50,000 एडवांस, बाकी सुनवाई के बाद। इतने सारे पैसे हम कहां से लाएंगे? बंगीर बाबू साहब, हम सारा पैसा अपने बाबूजी की दुकान पर लगा दिए है, हमारे पास इतने पैसे ना ही है। अरे कहां सब कुछ लगाया है, कुछ तो है हमारे को, तुम दे सकती हो? मतलब? अरे जिन कंगन के कारण इतना बड़ा कांड हुआ है वो हमारे को दे दो। जब तुम्हारे पास पैसा जमा हो जाएगा तो तुम उसको वापस लेकर जाना। एक कंगन लाए थे तुम्हारे लिए, कसम पाल के रखता बेटी, हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी की तरफ से ये आखिरी तोहफा हो। जी बहुत प्यार से ही कंगन दिया हमको, ये ज्यादा महंगा नहीं है, पर इसमें हमारे बाबूजी का ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद है। देखिए, जैसे और पैसे जमा हो जाएंगे ये हम ले जाएंगे। हाँ, हमारे बाबूजी छूट जाएंगे ना। अरे अब तू देखती जा, थारे ये वकील बाबू एक ही चुटकी में ये केस अभी पलट देगा। अरे ऐसे ही कचहरी में मन्ने वन डेट एडवोकेट नहीं कहते, एक दिन की सुनवाई और थारे बाबूजी की रिहाई। साची, एक दिन में हमारे बाबूजी अब आ जाएंगे। हम आज ही बलिया जाने का टिकट करा लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको कंगन दे दिए हैं, कुछ कुछ पैसे ले जाए, टिकट कराना है। चलते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डेट एडवोकेट जी। हाँ ठीक है, थारे बाबूजी छूट जाएंगे। आओ जी, आपकी खोई हुई इज्जत
हम लौटा कर आएंगे और आप पे लगे इस लांछन को हम मिटा देंगे। वादा है हमारा। बेटा इधर आओ। भूख लगी है, चॉकलेट खाएगा? एक मिनट, ये लो। एक चॉकलेट से तेरा क्या होगा, तू ना ये सारा रख ले। बेटा ये शहर है, या खाने के लिए काम करना पड़ता है। तेरा गांव नहीं है जहां मुफ्तखोरी से काम चल जाएगा। चल। गुड मॉर्निंग कुंवर साहब। आपकी तारीफ। जी मैं हैरी, आज ही रामू की जगह ज्वाइन किया है। In that case, where's your uniform? Anyways, बच्चे से क्या कह रहे थे? कुंवर साहब ये कब से चॉकलेट पर नजर रखे हुआ था। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसको कुछ हाथ नहीं लगाने दिया, सब कंट्रोल में है। ए, तू यहाँ क्या खड़ा है, चल जाए यहाँ से। आप कंट्रोल में हैं जी, बच्चे को डांटना उसे डराना ये आपका काम नहीं है। ये ग्रोसरीज यहाँ बाहर क्या कर रही है, और आपने सैनिटाइज करवाया है? जी मैं बस वो लेके ही जा रहा था। संतोष इधर आओ, ये राशन लेके जाओ। स्टॉप। लोगों से काम करवाने से पहले लोगों को काम करके दिखाना पड़ता है, तो उठाइए। मैं उठाइए जी। एक सेकंड, बोलो। डॉक्टर साहब दो बार ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ, प्लेक और गम डिसीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप जो बोले हमें पसंद आया, पर अंग्रेजी में। लेकिन ये जो दूसरा चॉकलेट आप देंगे ना, वो हमारे लिए नहीं, हमारी बहन के लिए। रात से कुछ खाया नहीं है, बोले थे बाबूजी को लेने जा रहे हैं, अभी तक आए भी ना वापस। अपने बाबूजी को छुड़ाए बिना हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पिंकू हम सब संभाल लिए हैं। वो पुलिस वाला बाबूजी को छोड़ दिया? अरे पिंकू अभी ना ही छोड़े हैं, पर जल्दी छोड़ देंगे। हम ना वकील बाबू से बात किए, वो बोले बाबूजी को 2 दिन में जेल से छुड़वा देंगे। 2 दिन में? 2 दिन में? कौन से वकील के पास गई थी आप? अरे हम बहुत बड़े वकील के पास गए थे, वो बोले 2 दिन में बाबूजी छूट जाएंगे। साची? हाँ, हम भी ऐसे ही पूछे उनसे। डेट एडवोकेट कहते हैं उन्हें, मतलब एक ही सुनवाई में रिहाई। और पिंकू जब खुशी का चढ़े है रंग, लो चटकारे समोसे के संग। जब चढ़ेगा खुशी का रंग, लो चटकारे समोसे के संग। पिंकू ये ले समोसे। आए आए, आप जानती है ना कि बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है, ये सब खाना आपके लिए। अरे डॉक्टर साहब, हम गांव वालों की ना रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम पक्की होती है, और हाँ ऊपर से हम दुकान से पक्का 2 मीटर दूर ठहरे कर समोसा खरीदे हैं, और ठहरा हाथ में थामने से पहले 360 डिग्री उठाते ना दवाई उसे नहलाए है। बट स्टिल इतनी मिर्च इतना तेल दिल के लिए अच्छा नहीं होता। अरे मिट्टी शरीर में गर्मी पैदा करती है और सारे दुख परेशानियां पसीना बनकर बाहर, और दिल का ऐसा है डॉक्टर साहब
जब तक तेल में नहाया हुआ लबा लब करारा समोसा ना मिल जाए ना, आत्मा तृप्त ना होती हमारी। देखिए नजर न लगे या फिर पेट दुखेगा हमारा। चाहिए तो मांग लीजिए ना, हम खुशी बांटने में विश्वास रखते हैं। नो थैंक यू। ठीक है, हमारे लिए और बच गया। बहन इस समोसे के बाद ना चॉकलेट खाने का आनंद ही कुछ और होगा। ये चॉकलेट कौन दिया तुमको? तुमको एक बार में पूछना ना है का कि अनजान इंसान से ये सब चॉकलेट बॉक्स ना ही लेना चाहिए? तुमको पता है जो दिया है उसका नियत का है? तुम्हारा अपहरण कर दिया होता तो गणित की तरह सीधा नहीं होता इतना बड़ा शहर, लोग बाग रस्ते दोनों ही। ठीक है, समझ में नहीं आता इनको। सॉरी। अरे आप काहे सॉरी बोल रहे हैं? हम पिंकू को बोल रहे हैं, समझे? कहाँ पिंकू हुआ? हाँ, ये चॉकलेट इस बच्चे को मैंने दिया है और मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बच्चा चोर नहीं। अरे भाग बोल भाग, बताना चाहिए ना, हम पहले भी बोले हैं, शक्ल पे थोड़ा ही लगा रहता है कौन चोर कौन बच्चा चोर कौन डॉक्टर। यू नो व्हाट, व्हाट? फॉरगेट इट, खाइए बकवास खाना अपना। अरे बकवास नहीं है, समोसा है। रानी, ये हम क्या सुन रहे हैं? जय माता रानी। जय माता रानी, तुम यहाँ से जा रही हो? जी हमारे बाबूजी इधर नहीं है ना, इसलिए हम चूरू जा रहे हैं, वहाँ हमारी मौसी रहती है तो अपना पन लगेगा। रामू ने इस घर को अपने 20 साल दिए हैं, ये उसका भी घर है और तुम उसकी बेटी, यहीं रहो। दिग्विजय, इनको इतनी इज्जत देके वैसे भी तुम इन्हें बिगाड़ रहे हो, जाना चाहती है तो जाने दो, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। चलो हमें लेट हो रहा है, कम ऑन। अरे पिंकू खड़े खड़े देख कर रहा है, हमें रानी सा का आशीर्वाद लेना है। कल बाबूजी की बहुत मदद की, कल रात थाने आई थी। देखिए रानीशा, बाऊजी ना आपको बहुत मानते हैं, आप उनकी मदद के लिए आगे आई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो जा रहे हैं ना जाने कब मुलाकात होगी, इसलिए आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। रानीशा माफ कर दीजिए, हमको ना जाने हमारा एक चटनी वाला हाथ ना 20 डिग्री पर कैसे घूम गया। अरे हम बिना इतने बड़े बुड़बक है, चटनी समेट बिना ही हम चुप के, आशीर्वाद के लिए हमको माफ कर दीजिए। स्टॉप इट, ये क्या क्या किया क्या तुमने? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? ये रोज साइड तमाशा बंद करो, ये गंदगी हटाओ यहाँ से। I was about to leave for an important work and तुमने सब खराब कर दिया। ये गलती तो हम ही किए हैं, इसको साफ भी हम ही करेंगे। रुकिए हम साफ कर देते हैं। Oh my God! कियारा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम शाम को आएंगे। ओके। क्योंकि किसी के गवारपन ने हमारी पूरी सुबह बर्बाद कर दी।
नॉनसेंस। अंधी हो क्या, देख के नहीं चल सकती? माफ करना रानी सा, गलती हो गई। ओ जस्ट शट अप, गेट आउट। पता नहीं ये लोग नहाते भी है नहीं। ए पिंकुआ, रानी सा को जब गुस्सा आता है तो उनकी आंखें कैसे बाहर आ जाती है। उनका मलाई जैसे सफेद चेहरा कैसा टमाटर की तरह लाल होता है। अरे हमें तो लगता है रानी सा ना दादी मौसी की बिटिया है, दिन भर खटपट खटपट और चूचा चूचा करती रहती है। अच्छा है बाबू जी जल्दी आ रहे हैं, हम जाएंगे बलिया और फिर एकदम सेट। हमारा वो यूनिफॉर्म ना भूलना, ये यूनिफॉर्म हमारे लिए गुरूर है बिटिया। हम आते हैं, तुम सामान बांधो। अरे यहाँ पे तो पोशाक ही नहीं है, बाबूजी बोले कि उनकी पोशाक यहीं पे रहेगी। शांति काकी से पूछते। पर्सनालिटी देखिए, तेरे बाबू जैसा दिखता हूँ क्या मैं? पीछे से थोड़ी पता चलता है कौन गधा कौन घोड़ा। अच्छा है कौन तू? देखिए जिनकी पोशाक पहनी है ना आपने, उनकी बिटिया है हम। अच्छा तो तू ये खूनी रामू की बेटी है। नहीं है, जो पोशाक पहनी है ना आपने वो हमारे बाबूजी की है। ओए ये क्या पोशाक वोशाक लगा रखी है, हैं? यूनिफॉर्म है ये, समझी? कल तक तेरे खूनी बाबूजी की थी, आज मेरी है, क्योंकि उनकी जगह मैं आया हूँ, हैरी हरियाला। और तेरे जो बाबूजी है ना वो कैदियों की पोशाक पहनेंगे जेल में। चल जाए यहां से, अपना काम कर। और सुन, काम चोरी और तेरे जैसी तीखी छोरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। चल जा यहां से। बिटिया हमारा वो यूनिफॉर्म ना भूलना। पिंकू चलो यहां से। अरे सामान तो बांध लेंगे, दो जोड़ी कपड़ा दो घंटे से बांध रहे हो तुम, लाओ यहां। चलो यहां से, बहुत हो गया, एक पल नहीं रहेंगे। चलो रानी ये ले, कुछ खाना बांध दिए हैं, रास्ते में भूख लगेगी ना तो खा लेना। भूख मर के ये हमारी। और बाकी जो जरूरत का सामान है वो हम पोटली में बांधकर लाए थे गांव से, हम संभाल लेंगे। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? कह दीजिए। चल तू बैठ जरा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे रामू की यूनिफॉर्म लेके जानी थी। यहाँ तो ऐसे ही हैं, एक पूरी तरह से जाता नहीं, उसकी जगह लेने के लिए 10 खड़े हो जाते हैं। शांति काकी, 10 के आगे से अगर एक हटा दिया जाए ना तो शून्य बचता है, जिसका कोई मोल ना है। और वो एक नंबर वो हमारे बाबूजी हैं। वो पोशाक हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, पर हमारे बाबूजी के लिए महत्व रखता है। 20 साल अपना जिंदगी वो पोशाक को अपनी पहचान बनाकर जिए हैं। वो 20 साल शांति काकी जो उन्होंने अपने बच्चों से मीलों दूर रहकर इस शहर में उस पोशाक की सेवा में गुजारे हैं, और वही पोशाक आज किसी और को दे दी।
सारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन अब हम नौकरों की जिंदगी ऐसे ही है। अरे इंसान से ज्यादा तो इस घर में पड़े सामान की कीमत है। कहाँ है हमारी एंटीक रिस्ट वॉच? वो रानी साहब, अब मैं स्टॉप इट, ये तुम्हारा हकलाना बंद कर दो। हमारे घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई है और तुम्हारे आते ही मेरी एंटीक रिस्ट वॉच गायब है। जितनी तुम्हारी सालाना सैलरी तय हुई है उससे ज्यादा महंगी इस घड़ी की सुई की कीमत है। तुम्हारी औकात से तो मिलो दूर। आप बार बार औकात की बात काहे करती हैं? ये माता रानी ने हम सबको तो एक ही समान बनाया। जब सूरज चढ़ता है तो उसका रंग, उसका ताप, उसकी किरण क्या बड़े लोगों के लिए अलग और छोटे लोगों के लिए अलग होता है का? आम का पेड़ उनको सोने का और हमको पीतल का आम देता है का? हम सबके खून का रंग एक, एक जबान, एक दिल, एक दिमाग, बस सोच सोच भिन्न भिन्न बनाकर हम सब बैठ गए। शांति काकी, इस सोच ही ना ऐसी चीज है जो किसी हथियार या बम से ज्यादा खतरनाक होता है। खतरा तो तुम जैसे लोगों से बना ही रहता है, चोरी चकारी का। खाने को रोटी दो, पहनने को कपड़े दो, रहने के लिए छत दो और ऊपर से तसल्ली के लिए सैलरी भी दो। इतने एहसान करो फिर भी तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ब्लडी लेबर क्लास। ये देखिए शांति काकी, बंद घड़ी। हम अक्सर अपनी घड़ी में ना चाबी भरना भूल जाते हैं, पर एक बंद घड़ी भी पूरे दिन में दो बार सही टाइम बताती है। और हम भी वही सही टाइम लेकर आना चाहते हैं। इस औकात और हैसियत में बटे इस जग में अपनी खुद की जगह बनाना चाहते हैं, अपना टीम लाना चाहते हैं, और वो हम लाकर ही रहेंगे।